वालेकुम मेरा नाम बखतावर है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम एल टी एजुकेशन करियर विद बख्तावर आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर मैं आई हूँ वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डब्ल्यू बी सीज इस वीडियो के ज़रिए हमारी ये कोशिश है कि हम आपकी आइडेंटिफिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकें तो आइए चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जिसमें हमारी पहली स्लाइड है जिसके अंदर आपको ये सेल नज़र आ रहा है सेंटर में और जिसके ऊपर डार्क पर्पल ग्रेन्यूल्स हैं ठीक है अब इसमें न्यूक्लियस विजिबल नहीं है तो ये है बेजोफिल समाइम ऐसा होता है कि बेज़ोफिल के ग्रेन्यूल्स इतने डार्क होते हैं कि आपको न्यूक्लियस विजिबल नहीं होता लेकिन इसके अंदर बायलूप्ड न्यूक्लियस मौजूद है हम चलते हैं अपनी सेकेंड स्लाइड की तरफ क्या आप ये सेल आइडेंटिफाई कर सकते हैं यस yes,

प्रोमोलोसाइड जो है वो नॉर्मली ब्लड सर्कुलेशन के अंदर मौजूद नहीं होता बट लुकीमियास में और इसके अलावा अगर कोई लुकमोइड रिएक्शन है या लेफ़्ट शिफ्ट के अंदर आपके पास इमिच्योर ग्रेन्यूलोसाइट्स ब्लड सर्कुलेशन में मिलते हैं उसके बाद चलते हैं नंबर फोर स्लाइड की तरफ कैन यू आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ डब्ल्यू बी सीज़ यस दिस इज़ अ नॉर्मल न्यूट्रोफिल कैन यू आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ डब्ल्यू बी सी यस दिस इज़ न्यूट्रोफिल बट इट्स नॉट अ नॉर्मल न्यूट्रोफिल इट्स अ न्यूट्रोफिल विद टॉक्सिक चेंजेस इसके ग्रेन्यूल्स आपको डार्क पर्पल कलर के नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर टॉक्सिक चेंजेज़ उसके बाद चलते हैं हम नंबर सिक्स स्लाइड की तरफ नंबर सिक्स स्लाइड में आपको ये जो डब्ल्यू बी सी नज़र आ रहा है क्या आप इस डब्ल्यू बी सी टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं देखें इसके सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है जो कि पर्पल कलर का है और आपको साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा होगा इसका कुछ ग्रे सा शेड होता है बट इसके अंदर वैक्यूल्स मौजूद हैं तो इस तरह के सेल को हम कहते हैं मोनोसाइट अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ नंबर सेवन स्लाइड में आपको जो सेल नज़र आ रहे हैं क्या आप इन डब्ल्यू बी सी टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यस दीज आर लिम्फोसाइड्स दीज आर नॉर्मल लिम्फो उसके बाद चलते हैं नंबर एट स्लाइड की तरफ नंबर एट स्लाइड में जो सेल मौजूद है क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं यस इज दिस इज़ मोनोसाइड हैविंग पर्पल न्यूक्लियस एंड ग्रेज साइटो नंबर नाइन कैन यू आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ डब्ल्यू बी सी दिस इज न्यूट्रोफिल उसके बाद चलते हैं नंबर टेन स्लाइड के ऊपर आप इस डब्ल्यू बी सी टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यस दिस इज अच्छा अब हम चलते हैं नंबर इलेवन स्लाइड की तरफ इलेवन स्लाइड के अंदर जो सेल मौजूद है क्या आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपको तीन सेल नजर आ रहे हैं जिसमें दो सेल हैं जो नीचे वाले दोनों सेल है, ये हैं ये है न्यूट्रोफिल और जो ऊपर का सेल है वो थोड़ा सा जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है ये है इजिनोफिल अब यहाँ पर इजिनोफिल को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इसके बायलो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के ग्रेन्यूल की बेस पर तो आइए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर नंबर ट्वेल्थ स्लाइड के अंदर मौजूद सेल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यस दिस इज न्यूट्रोफिल बट न्यूट्रोफिल विद वैक्यूल इस न्यूट्रोफिल के साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स मौजूद है ठीक है अच्छा उसके बाद नंबर थर्टीन स्लाइड के अंदर जो सेल मौजूद है क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं यस दिस इज मोनोसाइट नंबर फोर्टीन कैन यू आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ डब्ल्यू बी सीज यस दिस इज बेजोफिल बेजोफिल की पीछे भी मैं आपको दो इमेजेस दिखा चुकी हूँ तो अब आप इसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अच्छा अब ये वाले जो सेल है नंबर फिफ्टीन स्लाइड में मौजूद सेल को क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं देखें ये है न्यूट्रोफिल ठीक है इसके न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की बेसिस के ऊपर हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज़ न्यूट्रोफिल लेकिन इसके अंदर आपको एक डिफरेंट चीज़ नज़र आ रही है जो कि आपको प्रीवियस स्लाइड में मौजूद न्यूट्रोफ़िल्स में नज़र नहीं आई होगी इसके अंदर अंदर ब्लू कलर के कुछ स्पॉट्स मौजूद हैं इनको हम क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं डॉली बॉडीज। इस तरह के कोई भी सेल हमें मिलेंगे तो हम उनको कहेंगे न्यूट्रोफिल डॉली बॉडीज। उसके बाद चलते हैं नंबर स्लाइड के ऊपर स्लाइड में हम इस नजर आ रहे हैं लेकिन ये तमाम एक ही तरह के सेल हैं तो ये तमाम के तमाम क्या हैं इजिनोफिल अब हम चलते हैं नंबर सेवनटीन स्लाइड के ऊपर सेवनटीन स्लाइड के ऊपर अंदर मौजूद डब्ल्यू टाइप को क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें दो तरह के सेल मौजूद हैं जो ऊपर वाले सेल हैं दिस आरल्फोसाइड जो नीचे जो सेल नज़र आ रहा है दिस इज़ न्यूट्रोफिल ठीक है ये वो तमाम बुक्स की रेफरेंसेस हैं जहाँ से हमने ये इमेजेस उठाई हैं अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपको मेरे चैनल के थ्रू कुछ भी सीखने को मिलना है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा Thank you so much.